हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल का नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है। जी हाँ, दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आप लोगों की फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो वैकेंसी निकली हुई थी, उसका मैं आज आप लोगों को जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या है उसका सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन क्या क्या आप लोगों को आएगा, किस किस स्टेज से आप लोगों को गुजरना होगा और क्या क्या आप लोगों का पूरा सिलेबस है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग के आने वाले, तो इसकी मैं आप लोग को बता दूं, इसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप लोग इसके एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो और भी कुछ, तो आप लोग वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट में उसमें कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जैसे इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं उसका भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम और पूछिए, कोई मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के जो फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ की जो वैकेंसी निकली हुई थी, इसके बारे में मैं आप लोग को आज पूरी जानकारी देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को दो स्टेज से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज है आप लोग का, वो है रिटन एग्जाम का। जी हाँ, रिटन एग्जाम सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, चाहे आप लोगों ने फॉरेस्ट रेंजर के लिए भरा हो, चाहे गार्ड के लिए भरा हो, चाहे आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ के लिए भरा हो। ठीक है, किसी के लिए भरा हो, आप लोग को सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद ही आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसकी पूरी डिटेल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फॉरेस्ट रेंजर के बारे में बता दूं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, टू स्टेज आप लोग के ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी टाइप एग्जाम होंगे। ठीक है, आप लोगों का टू स्टेज होने वाला है। पहले आप लोग का एग्जाम है, उसके बाद फॉलोड बाई फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आप लोग का जो है फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोग को रिटन एग्जाम के बारे में पता चल जाना चाहिए, तो सबसे पहले स्टेज वन जो है आप लोग का फॉरेस्ट रेंजर के लिए जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के, जिसके अंतर्गत कि आप लोगों के जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगी, इंग्लिश कंप्रेंशन आएगी। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग के सब्जेक्ट आएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा इसमें का आप लोग का, और जो कि 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग का एक नंबर का होने वाला है जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। इसके अलावा जो आप लोग का आएगा वो है आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के आप लोग के 100 क्वेश्चन होंगे। ये भी आप लोग के 100 नंबर के होंगे, यानी कि आप लोग के 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंसी के 25 नंबर के आएंगे, जनरल अवेयरनेस आप लोग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड भी आप लोग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, इंग्लिश भी जो है आप लोग की वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के ही आएंगे। इसके अलावा जो आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन्वायरमेंट जो है वो आप लोग का आएगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। टोटल आप लोग के 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ठीक है, तो इसमें जो ड्यूरेशन है आप लोग के 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे में आप लोगों को 200 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप लोगों के जो रिटन एग्जाम है इसमें आप लोगों की माइनस मार्किंग है। जी हाँ, इसमें आप लोगों की माइनस मार्किंग है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/4 आप लोगों की माइनस मार्किंग होगी। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस मत कीजिएगा जिसके लिए आंसर आप लोग को ना आते हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई तुक्का मत मारिएगा। तो ये आप लोग का 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 3 घंटे में आप लोग को करना है। इसके अलावा जो फिर यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, ये जो आप लोग की फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है इसमें आप लोग को सेपरेट ही दोनों चीजों में अलग अलग पास होना है। ठीक है, एक जो उन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स उन्होंने रख रखी है, ठीक है, उसको आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोनों में आप लोग को सेपरेटली पास होना पड़ेगा, रिटन में भी और फिजिकल टेस्ट में भी आपको अलग से पास होना जरूरी है। फिजिकल के लिए भी इन्होंने जो अपना स्पेशल क्राइटेरिया रख रखा है, जो भी उन्होंने अपना तय किया होगा वो आप लोग को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल के लिए यदि आप लोग रिटर्न क्लियर कर जाते हैं तो आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग की जो हाइट है, मेल फीमेल दोनों लोगों सभी ने अप्लाई किया, तो मेल के लिए जो हाइट है वो है आप लोग की 163 और फीमेल के लिए जो हाइट है वो है 150। ठीक है, और इसमें आप लोग की चेस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चेस्ट थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे, मेल के लिए 84 और एक्सपेंशन 5 है। ठीक है, फुल आउट 5। इसके अलावा जो फीमेल है नॉर्मल 79 है और फुलाव यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी फुलाव होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चेस्ट है काफी हाई कर रखी है। इसके अलावा आप लोगों को यदि आप लोग शेड्यूल ट्राइब कास्ट ST कैंडिडेट हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों को जो हाइट में छूट दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप लोग बुद्धिस्ट, गढ़वाली, गोरखा, कुमायूं, लद्दाखी, मिजोरम, नागालैंड, नेपाली, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख,
स्टिविट एंड आप लोग मेघालय से हैं तो भी आप लोग को हाइट में यहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग की हाइट जो है 152 मेल के लिए और फीमेल के लिए जो है 145 सेंटीमीटर रहने वाली है, लेकिन चेस्ट आप लोग की भैया आप यहाँ पे आप लोग सेकंड जो होगा फिजिकल के अंदर वो है मेल फीमेल कैंडिडेट मस्ट पास ए फिजिकल टेस्ट करके डिस्टेंस 25-16 किलोमीटर सेपरेटली 4 आवर ऑन फुट, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए 25 किलोमीटर और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर आप लोग को सेपरेटरी चलना है, ठीक है, जो कि आप लोग को 4 विद इन 4 आवर्स, ठीक है। ये आप लोग का फिजिकल थोड़ा सा टफ है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जो बारी आती है वो है आप लोग की फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड में भी आप लोग की 2 स्टेज होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है आप लोग की वो मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे आप लोग के, इसमें आप लोग के जो जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और इसके अलावा आप लोग की हिंदी लैंग्वेज भी आने वाली है। यदि आप लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए भरा है तो आप लोग का हिंदी का भी इसमें आएगा कंप्रेंशन, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग के 40-40-40 चेस्ट नंबर के होंगे, टोटल आप लोग के 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी में 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो या फिर आप लोग की हिंदी हो, सभी में आप लोग को 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं 40-40 नंबर के। तो इसमें भी आप लोग को बता दो माइनस मार्किंग आप लोग की भी रिटर्न एग्जाम में सभी लोगों के लिए माइनस मार्किंग होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप वही कीजिएगा जो आप लोग को आते हैं सेपरेटली। तो आप लोग का भी 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टेज टू जो है सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप लोग का जो फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें आप लोग की हाइट जो है 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए इसी तरीके से आप लोग की 150 सेंटीमीटर आप लोग की जो हाइट होनी चाहिए। तो इसके अलावा इसके जो चेस्ट दे रखी है, ठीक है, चेस्ट मेल के लिए 84 एक्सपेंशन 5 होना चाहिए और फीमेल के लिए 79 और एक्सपेंशन 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फिजिकल है दोनों का एक जैसा ही है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई इसमें छूट नहीं दे रखी है, चाहे आप लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए भरा हो चाहे आप लोगों ने फॉरेस्ट रेंजर के लिए भरा हो, ठीक है, दोनों में फिजिकल जो है हाइट वगैरह सब सेम है, चेस्ट वगैरह भी सेम है। और इसके अलावा यदि आप लोग जैसे कि एसटी कैंडिडेट हैं और गढ़वाली कुमायूं जो मैंने आप लोग को ऊपर बताया, यदि आप इन जगहों से हैं तो आप लोग को जो है इसमें 152 और 140 सेंटीमीटर आप लोग को ली जाएगी हाइट, ठीक है, चेस्ट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। और मेल फीमेल कैंडिडेट को जो है फिजिकल टेस्ट में, इसका जो सेकेंड फिजिकल टेस्ट है, इसमें जो आप लोग को 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर सेपरेटली आप लोग को 4 घंटे में जो है पैदल चलना है, ठीक है। तो ये आप लोग का फिजिकल का है, इसका भी थोड़ा सा टफ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आप लोग का वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड गेम वाचर, ठीक है। इसमें भी आप लोगों के भी जो ऑनलाइन एग्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसमें आप लोगों का जो जनरल इंटेलिजेंसी होगा रीजनिंग 40 नंबर का होगा, ठीक है, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस होगा आप लोग का 40 नंबर का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा 40 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज होगा आप लोग का 40 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज होगा आप लोग का 40 नंबर का, ठीक है। टोटल आप लोग के 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के आप लोग को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसमें जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, जो भी है आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसमें आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं है, यदि आप लोग वाइल्ड लाइफ गार्ड गेम वाचर का आप लोगों ने अप्लाई किया है तो, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग इसे डाउनलोड करके पढ़ते रहेंगे ताकि आप लोग किसी भी प्रकार से इसमें कोई दिक्कत ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछते रहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें आप लोग को मैं बता दूं, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया पेनल्टी है रॉन्ग आंसर की, ठीक है, 1 नंबर यदि एक आपके जो पॉइंट यानी 1/4 आप लोग के काट लिए जाएंगे यदि आप लोग गलत आंसर देते हैं, तो इस चीज का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मैंने ऊपर बताया था आप लोग को फॉरेस्ट रेंजर जो है उसमें आप लोग को सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में आप लोगों को सेपरेटली पास होना है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को लाने हैं और जो मेरिट बनेगी वो आप लोग की दोनों सेक्शन के हिसाब से बनेगी, ठीक है, ए और बी के हिसाब से। तो सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी है, इसमें कुल मिला के मैंने पूरी जानकारी दे दी है क्या सिलेक्शन प्रोसेस है फॉरेस्ट रेंजर का, सिक्योरिटी गार्ड का और वाइल्ड लाइफ रेंजर का, ठीक है।
कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, एडमिट कार्ड से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एडमिट कार्ड आएगा तो मैं उसका भी आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं आप लोग की बनाऊं तो आप लोग को उसका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम, जिसमें कि मैं आप लोगों को रिटर्न एग्जाम का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक जी हाँ, जो भी आप लोग का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश कंप्रेहेंसिव, हिंदी कंप्रेहेंसिव, सभी में कितने कितने कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने, इसका भी वीडियो मैं आप लोग के लिए जल्द ही लेके आने वाला। ठीक है तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइएगा। फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।